बेटी का ससुराल। माँ आप तो जानती हो ना, मुझे गांव की लड़की से सख्त नफरत है। मैं गांव की गवाल लड़की के साथ कैसे अपनी जिंदगी गुजार सकता हूँ? गौरी मेरी बचपन की सखी शांति की बेटी है, बहुत गुणी और संस्कारी लड़की है। मैंने तो बचपन में ही तुम दोनों का रिश्ता तय कर दिया था। देख बेटा, मैंने अपनी सखी को जुबान दी है और मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट सकती, और गौरी जैसी लड़की तुझे दिया लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। माँ मुझे अभी शादी नहीं करनी। हाँ हाँ, शादी से पहले हर कोई यही कहता है, पर मैं भी तेरी माँ हूँ, सब समझती हूँ। तेरी शादी होगी तो सिर्फ गौरी से ही। राहुल वैसे तो बहुत जिद्दी था, लेकिन वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो अपनी माँ को मना नहीं कर पाता है, और ना चाहते हुए भी उसकी शादी गौरी से हो जाती है। गौरी गांव से थी और उसकी शादी शहर के सबसे अमीर लड़के राहुल से होती है। अरे मेरी बहू तो लाखों में एक है। आओ बहू, अंदर आओ और जाकर आराम करो। गौरी अपने कमरे में बैठकर अपने पति राहुल के आने का इंतजार करने लगती है। देखो लड़की, तुम सिर्फ इस घर की बहू हो, वो भी इसलिए क्योंकि तुम मेरी माँ को पसंद हो, लेकिन मेरी पत्नी बनने का ख्वाब में भी मत सोचना। मैं तुम्हें पत्नी का दर्जा कभी भी नहीं दूंगा, समझी तुम? इतना बोलकर राहुल सोफे पर सोने चला जाता है। गौरी रोते हुए मन में सोचती है, कोई बात नहीं जी, लगता है माँ जी ने जबरदस्ती मेरी आपसे शादी करवाई है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी जब तक आपके दिल में अपने लिए जगह नहीं बना लेती तब तक मैं आपको परेशान नहीं करूँगी। गौरी की सास गंगा अक्सर बीमार रहती थी, इसलिए गौरी इस बारे में अपनी सास से न तो कुछ पूछती है और न ही कुछ बताती है, और उस दिन से राहुल और गौरी पति पत्नी होते हुए भी एक ही घर में अजनबी की तरह एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। गौरी अपना बहू का फर्ज अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है, वो घर का सारा काम बखूबी संभालती है। ऐसे ही एक साल बीत जाता है और बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। बाहर काफी तेज बारिश हो रही थी। क्या कर रही हो बहू? जी कुछ नहीं माँ जी, बस शाम के खाने की तैयारी कर रही थी। ठीक है, अगर तुम आलू मटर की सब्जी बना रही हो तो साथ में पूरी भी बना लेना, वैसे भी बाहर बारिश का मौसम हो रहा है। माँ जी फिर से पूरी? आपको पता है ना, डॉक्टर ने आपको सादा खाना खाने के लिए कहा है। अरे ये अंग्रेजी डॉक्टर ऐसे ही अनाप शनाप बोलते रहते हैं, तो इनकी बातों पर ध्यान मत दिया कर। माना कि माँ जी मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मुझे सब पता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपके लिए सब्जी के साथ कम तेल वाला पराठे बना दूंगी। उसके बाद दोनों सास बहू रात का खाना खाकर सोने चले जाते हैं, और राहुल आज रात भी घर नहीं आता है। अगली सुबह भी बारिश हो रही थी। माँ जी बाहर बहुत बारिश हो रहा है, तो क्या मैं आपके लिए चाय के साथ पकौड़े बना दूँ? वाह क्या बात कही बहू तुमने, तुमने तो मेरी मन की बात कह डाली, बना ला बहू। उसके बाद गौरी किचन में जाती है। अरे बेसन तो है ही नहीं, अब मैं पकौड़े कैसे बनाऊँ? देखिए ना माँ जी, बेसन तो है ही नहीं, कल ही राहुल जी घर का सारा राशन लाए थे, लेकिन मैं उनसे बेसन लिखवाना तो भूल ही गई। कोई बात नहीं बहू, हो जाता है, नहीं याद रहती चीजें, ऐसे में पड़ोसन भला किस दिन काम आएंगी। जा तू सुषमा के घर से थोड़ा सा बेसन मांग ला। ठीक है माँ जी। इतना बोलकर गौरी सुषमा के घर बेसन मांगने जाती है, तभी रास्ते में उसे कुछ औरतें चुगली करते हुए दिखाई देती है। अरे ये तो वही गवार औरत है ना, जिसे इसका पति बिल्कुल भी भाव नहीं देता। अरे हाँ हाँ बहन, एक मेरा पति है, मैं उसे जो भी कहूँ बोलने से पहले ही कर देता है। बेचारी सबका कितना ख्याल रखती है, फिर भी इसका पति इसे जरा भी भाव नहीं देता। अब क्या करे बहन, हर सुहागन के भाग में पति का प्यार तो नहीं होता है। हाँ बहन, मुझे तो लगता है इसके पति ने दूसरी शादी कर ली है, तभी तो वो हफ्ते हफ्ते भर घर से बाहर रहता है, बेचारी को अपनी माँ की नौकरानी बनाकर बस रखा हुआ है। गौरी को उन औरतों की बातें सुई की तरह चुभ रही थी। वह वहाँ से रोते हुए घर आ जाती है, और देर रात में जब राहुल आता है तो देखता है कि गौरी खिड़की के पास बैठकर रो रही है। क्या हुआ, आज तुम इतनी देर रात तक जगी हो, सोई क्यों नहीं? कुछ नहीं जी, बस ऐसे ही, नींद नहीं आ रही थी। तुम रो रही हो, तुमने रो रो कर अपनी आँखें सुजा ली है। मेरे रोने से आपको क्या फर्क पड़ता है? देखिए जी,
मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन लोगों के ताने नहीं। मैं तो बस इस इंतजार में जिंदगी काट रही हूँ कि एक दिन आप मुझे जरूर अपनाएंगे। लेकिन अपनाना तो दूर, आप तो किसी और को पसंद करते हैं, लेकिन इसमें भला मेरा क्या कसूर है? मुझे आप किस बात की सजा दे रहे हैं? मैं किस लिए लोगों के ताने सुनूं? हाँ हाँ, तो चली क्यों नहीं जाती? किसने रोका है तुझे? मैं तो कब से तुम्हें बोल बोल कर थक गया हूँ कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। आखिर आप हमेशा मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? आखिर मुझ में कमी क्या है? आखिर मैं क्यों आपका ये अत्याचार सहूं? उसके बाद राहुल गुस्से से अलमारी में से सारे कपड़े और गहने निकालकर बाहर फेंक देता है और बोलता है, ये देखो, इस वजह से, क्योंकि तुम जैसी गरीब और फटीचल लड़कियों की नसीब में ऐसे ऐसो आराम कहाँ। यहाँ तुम्हें अच्छा खाने को मिलता है, पहनने को मिलता है, इसलिए तुम ये सब छोड़कर यहाँ से नहीं जाना चाहती हो, क्योंकि तुम जैसी गरीब लड़कियों के किस्मत में ये सब कहाँ। अपने पति की इतने कड़वी बातें सुनकर गौरी एकदम सन्न रह जाती है। लगातार उसकी आंखों से आंसू की धारा बह जा रही थी। तभी राहुल गुस्से से गाड़ी का चाबी लेकर बोलता है, मैं जा रहा हूँ, माँ से बोल देना बिजनेस के काम से गया हूँ, और हाँ, मेरा इंतजार मत करना। गौरी कुछ भी जवाब नहीं देती है और रोते रोते सो जाती है, क्योंकि आज उसका दिल बहुत ही ज्यादा दुखी था और यही सब सोचकर उसे बुखार आ जाता है। अगली सुबह वह देर तक सोती रह जाती है। तभी गंगा उसके कमरे में आती है। बहू, क्या हुआ बहू? सब ठीक तो है? तू तो कभी इतनी देर तक नहीं सोती। अरे बहू, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। ये राहुल कहाँ गया? कुछ नहीं हुआ माँ, मैं ठीक हूँ, मैंने दवाई ले ली है। लेकिन बेटा, तुझे बुखार कैसे हुआ? लगता है माँ को रात के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे भी माँ को ये सब बताकर परेशान नहीं करना चाहिए। माँ, वो मैं कल शाम को बारिश में भीग गई थी ना, बस इसलिए जरा सी तबीयत खराब हो गई। हाँ सही कहा बहू, बदलते मौसम का ये बुखार बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। मैं अभी राहुल को फोन करती हूँ, वो तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएगा। गंगा अपने बेटे को फोन करने जाने लगती है। तभी बहुत तेज की बिजली कड़कती है और गौरी को याद आता है, अरे फिर से बारिश, मैं जल्दी से छत पर जाकर सारे कपड़े उठा लेती हूँ। इतना बोलकर गौरी सीढ़ियों की तरफ जाने लगती है। तभी उसकी सास गंगा उससे कहती है, अरे बहू तुम रुको, अगर फिर बारिश में भीग गई तो फिर से बीमार पड़ोगी, कपड़े मैं ले आती हूँ। अरे नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ, आपके घुटनों में तो दर्द रहता है ना, आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाओगी। अरे बहू, मैं ले आऊंगी, तू चिंता मत कर। इतना कहकर गंगा छत से कपड़े लेने चली जाती है। तभी बारिश के पानी से सीढ़ी गीला होने की वजह से गंगा का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है, और बाहर किसी के गिरने की तेज आवाज आती है, जिसे सुनकर गौरी भागते हुए जीने के पास जाती है। माँ जी, क्या हुआ माँ जी आपको, आप ठीक तो हैं? गंगा के सर पर काफी चोटें थी, जिसे देखकर गौरी घबरा जाती है और फिर राहुल को फोन करती है। प्लीज राहुल जी, फोन उठा लीजिए, प्लीज राहुल जी। गौरी के लाख फोन करने के बाद भी राहुल उसका फोन नहीं उठाता है, जिसके बाद गौरी जैसे तैसे करके जल्दी से अपनी सासू माँ को लेकर अस्पताल जाती है। काफी देर बाद राहुल को किसी और से इस बात का पता चलता है और वो भी जल्दी से हॉस्पिटल आता है। डॉक्टर साहब, मेरी माँ कैसी है? वो ठीक है ना? उन्हें क्या हुआ डॉक्टर साहब? आपकी माँ खतरे से बाहर है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। शुक्रिया मेरा नहीं, बल्कि आप अपनी पत्नी का कीजिए, जिन्होंने आपकी माँ को समय रहते हॉस्पिटल लेकर आई है और उन्हें अपना खून भी दिया है, जिस वजह से उनकी जान बच पाई है, वरना खून का बहुत ही ज्यादा लॉस हो गया था। उसके बाद राहुल को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दो गौरी, तुम आज तक मेरी वजह से मेरी माँ से झूठ बोलते आ रही हो, और आज उनकी जान बचाकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। वो मेरी भी माँ है और उनका ख्याल रखना मेरा फर्ज है, लेकिन मैं उनका ख्याल नहीं रख पाई, उनकी इस हालत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। इतना बोलकर गौरी फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे माफ कर दो गौरी, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा, कभी तुम्हारी कदर नहीं की, लेकिन आज तुमने ये साबित कर दिया कि मुझे तुमसे अच्छे जीवन संगनी कभी नहीं मिल सकती थी।
इतना बोलकर राहुल गौरी को गले से लगा लेता है। भीम सिंह अपने दो बच्चों के साथ रहा करता था। भीम सिंह के दोनों बच्चे रानी और राहुल बहुत ही समझदार थे। रानी और राहुल की समझदारी के चर्चे घर से लेकर स्कूल तक थे। स्कूल के दिन चल रहे थे और सभी बच्चे अपने अपने स्कूल समय से आया करते थे और पढ़ लिख कर वापस से अपने घर जाया करते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन परीक्षा के बाद रिजल्ट का दिन आता है। सभी माता पिता को अपने अपने बच्चों का रिजल्ट देखने स्कूल जाना होता है। तभी राहुल और रानी की टीचर भीम सिंह से कहती है, देखिए रानी और राहुल बहुत ही समझदार और अच्छे बच्चे हैं। बिन माँ के बच्चे होने के बावजूद ये लोग समय से स्कूल आते हैं और इनका काम भी समय से पहले ही पूरा होता है। ये सब देखकर मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं आपको बताना चाहती हूँ भाई साहब, स्कूल में बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है जहाँ बच्चे मुफ्त में पढ़ते हैं और मुझे यकीन है कि वह स्कॉलरशिप इन दोनों बच्चों को मिल जाएगी। लेकिन स्कूल के बाकी बच्चों का मुझे नहीं पता क्योंकि सभी ज्यादा पढ़ाई को लेकर डेडिकेटेड नहीं है। टीचर की बातें सुनकर भीम सिंह बहुत ही खुश होता है और अपने दोनों बच्चों को खुशी से गले लगा लेता है। उसके बाद वो अपने घर की तरफ वापस आता है और रास्ते में वापस आते वक्त रानी और राहुल दोनों ही पेस्ट्री खाने की जिद करते हैं। भीम सिंह को अपने काम के सिलसिले से कई बार शहर में जाना पड़ता था जिसके कारण वो अपने बच्चों की देखरेख नहीं कर पाता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। वो अपने बच्चों का भविष्य सुनहरा बनाना चाहता था जिसके कारण वो एक दूसरी शादी सुमित्रा से कर लेता है। सुमित्रा दिखने में सुंदर थी और दिल की भी बहुत ही साफ थी। वो पहले ही दिन से भीम सिंह के बच्चों को अपनी बच्चों की तरह प्यार करती है। लेकिन दोनों ही बच्चे अपनी सौतेली माँ को अपनी सगी माँ बनाने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि दोनों बच्चे सुमित्रा को नापसंद करते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सुबह सुबह सुमित्रा नाश्ता बनाकर लाती है और दोनों बच्चों से कहती है, ये लो बच्चों, मैंने तुम्हारे लिए आज बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता बनाया है। इसे खाकर तुम बहुत ही खुश हो जाओगे और ताकतवर भी हो जाओगे। ये लो रानी बेटा, तुम ये हेल्दी सैंडविच खा लो। और ये लो राहुल, तुम भी सैंडविच और चाय खाओ। रानी और राहुल को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और दोनों भाई बहन गुस्सा हो जाते हैं और दोनों ही सुमित्रा के सैंडविच को उठाकर जमीन पर फेंक देते हैं। तुम हमारी माँ बनने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें अपनी माँ नहीं मानता। हाँ, और स्वादिष्ट खाना तो क्या, और हम तुम्हारे हाथ से बना हुआ कुछ भी नहीं खाएंगे। हमें तुम्हारी शक्ल भी नहीं पसंद है। दोनों बच्चों की बातें सुनकर सुमित्रा बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ जाकर भीम सिंह को सब कुछ बताती है। मैं दोनों बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ जी, लेकिन पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है कि वे दोनों बच्चे मुझे प्यार ही नहीं करते और मेरे साथ बस सुलूक ही करते हैं। मैंने पता नहीं उनका क्या बिगाड़ा है जो वो मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं और ना ही वो मुझे अपनी माँ मानते हैं। मेरे बच्चे तो मुझसे भी गुस्सा है सुमित्रा, लेकिन तुम्हें पता है माता पिता होने के नाते हमें सब्र रखना चाहिए। हमारे बच्चे हमें खुद एक दिन समझने लगेंगे और फिर तुम अपने प्यार से उन्हें अपना बना सकती हो। अभी शुरुआत है ना, इसलिए तुम्हें थोड़ी परेशानी सहनी पड़ेगी। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। सुमित्रा अपनी तरफ से हर एक कोशिश करती है उन्हें अपना बनाने के लिए, बहुत सारे उपाय करती है, लेकिन दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा जिद्दी होते हैं, उसको अपनी सगी माँ नहीं मानते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं और सुमित्रा दिन रात मेहनत करती है और अपने बच्चों को खुश रखने का सोचती है। लेकिन दिन रात काम करते करते सुमित्रा की तबीयत एक दिन अचानक खराब हो जाती है और सुमित्रा बेड पर आ जाती है। तभी रानी वहाँ आती है। देखो भाई, देखो आज इस औरत को, इसने तो आज बेड ही पकड़ लिया ताकि हम इसके आगे पीछे पानी और खाना लेकर घूमें। ये तो हमसे सारे काम करवाना चाहती है। इसने हमेशा से ही हमें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करी है। मैं इसी की वजह से इसको अपनी माँ नहीं मानती हूँ। यह एक जाहिल औरत है जिसे अपने बच्चे भूखे दिखने के बावजूद भी दिखाई नहीं दे रहे।
तुम तो ऐसा मत बोलो रानी, कम से कम मेरी तबीयत खराब है और तुम मुझे एक गिलास पानी पिलाने की जगह ताने मार रही हो। मैंने तुम्हारी जैसी बेटी आज तक नहीं देखी। कम से कम तुम्हारे अंदर इंसानियत तो होनी चाहिए थी ना। लेकिन तुम सच में एक बहुत ही बिगड़ी हुई लड़की हो। जब शादी से पहले तुम्हारे पिताजी तुम्हारी तारीफ किया करते थे तो मुझे भी लगता था कि सच में तुम दोनों बहुत ही समझदार और अच्छे बच्चे होगे। लेकिन तुमने मेरे साथ जो व्यवहार किया है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि तुमसे ज्यादा बिगड़ैल बच्चा यहाँ इस दुनिया में और कोई भी होगा। हाँ हाँ तो ठीक है, हम बिगड़ैल ही सही। इतना कहते ही राहुल बहुत गुस्से में आ जाता है और अपनी सौतेली माँ को धक्का दे देता है, जिसके बाद सुमित्रा सीढ़ियों पर जाकर गिरती है और उसके सर पर गुम चोट लग जाती है, जिसके कारण वह बेहोश हो जाती है। और तभी रानी बहुत ही परेशान हो जाती है और घबराकर कहती है, काश आज हमारी सगी माँ जीवित होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। भले ही मुझे ये सौतेली माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी राहुल। तुम्हारी वजह से इनकी जान भी जा सकती थी। हे भगवान, अब आप ही कुछ करो और इन्हें बचा लो। रानी के इतना कहते ही रानी के घर में एक जादुई गुलाबी परी आती है और वो परी कहती है, रानी और राहुल तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो? और ये क्या, तुम्हारे घर में ये औरत ऐसे क्यों गिरी हुई है? इसके सर पर तो गुम चोट लग गई है, तुमने इनके साथ कुछ किया है क्या? परी जी, मेरे भाई से बहुत बड़ी गलती हो गई। ये हमारी सौतेली माँ है और गुस्से में आकर मेरे भाई ने उनको धक्का मार दिया, जिसके बाद इन्हें गुम चोट लग गई और हम इन्हें नापसंद करते हैं, जिसके कारण हमारी बहस चल रही थी और बहस में ही मेरे भाई ने इन्हें गुस्से से धक्का मार दिया। लेकिन आप कौन हैं और इतना तैयार होकर यहाँ पर क्यों आई हैं? रानी, मैं जादुई गुलाबी परी हूँ। मैं पृथ्वी लोक पर ऐसे ही घूमने आई थी, लेकिन मुझे तुम लोगों के घर से कुछ आवाजें आ रही थी, जिसके कारण मैं तुम्हारे घर पर तुम्हारी परिस्थिति देखने आई थी। लेकिन ये सब देखकर मैं बहुत ज्यादा सोच में पड़ गई हूँ कि अब की जनरेशन कैसी हो गई है, जो अपने माँ बाप को स्वीकार तक नहीं करते। भले ही ये तुम्हारी सौतेली माँ है, लेकिन मैंने जितना अभी तक समझ पाया है, ये तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा ही व्यवहार करती थी, लेकिन तुमने इसकी इज्जत नहीं करी और इसे हमेशा ही दुख दिया है। मुझसे गलती हो गई परी जी, प्लीज कुछ करके इन्हें ठीक कर दीजिए और उसके बाद हम इनसे कुछ नहीं कहेंगे। मैं गुलाबी परी हूँ, मैं इन्हें तुरंत ठीक कर सकती हूँ, लेकिन तुम दोनों को तुम्हारी गलती का एहसास होना भी बहुत जरूरी है और वो तुम्हें हो गया। अब मैं इन्हें ठीक कर देती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, इसके बाद तुम इनका खूब अच्छे से ख्याल रखोगे और इन्हें अपनी माँ की तरह ही प्यार करोगे। इतना कहते हुए गुलाबी परी उसकी सौतेली माँ को पहले की तरह ठीक कर देती है और दोनों भाई बहन अपनी सौतेली माँ को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। उसके बाद दोनों मिलकर अपनी सौतेली माँ से माफ़ी मांगते हैं और परी से भी माफ़ी मांगते हैं, जिसके बाद परी उनसे कहती है, रानी और राहुल तुम दोनों बहुत ही अच्छे बच्चे हो, लेकिन तुम्हारी परवरिश में तुम्हें माँ का प्यार कम मिला, जिसके कारण तुम बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हो। लेकिन अब तुमने मुझसे वादा किया है तो तुम हमेशा अपनी सौतेली माँ का ख्याल रखोगे। और ये लो, मैं तुम्हें जादुई लाल लिपस्टिक दे रही हूँ। इस जादुई लाल लिपस्टिक की मदद से जो भी तुम्हें कुछ चाहिए होगा तुम वो मांग सकते हो। और हाँ, ये जादुई लाल लिपस्टिक मैं तुम्हें इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम अपनी सौतेली माँ को कभी भी परेशान ना करो। ये सुनकर दोनों बच्चे बहुत ही खुश होते हैं। उसके बाद रानी और राहुल उस जादुई लिपस्टिक का उपयोग अपनी जरूरत की चीजों के लिए करते हैं और अपनी सौतेली माँ को हमेशा अपनी माँ की तरह ही ख्याल रखते हैं। फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। सुमित्रा बहुत खुश होती है क्योंकि दोनों बच्चे ही उसका खूब ख्याल रखते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। रानी के गांव में एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है, जिसमें उसे पार्टिसिपेट करना था। मैंने हमेशा से पढ़ाई लिखाई में बहुत ध्यान रखा है, अब मैं एक फैशन कंपटीशन जीतना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें मुझे जो पैसे मिलेंगे
वो मैं अपने पिताजी को इनाम देना चाहती हूँ। पिताजी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, थोड़ा बहुत नहीं बल्कि हमें तो एक माँ लाकर भी दी है। बस हमें ही समझने में देरी हो गई थी, लेकिन वो सच में एक बहुत ही अच्छी माँ है। हाँ रानी, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में तुम्हें जरूर हिस्सा लेना चाहिए और हमारे घर का नाम रोशन करना चाहिए। जिसके बाद रानी फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी माँ से पूछती है, माँ क्या मैं इस फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इसमें जो इनाम मिलेगा वो मैं पिताजी को दूँ और अपने घर का नाम रोशन करूँ। हाँ बेटी, तुम्हें इस कॉम्पिटिशन में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि मैं तो हमेशा से ही यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे हमेशा आगे बढ़े। अपनी माँ का सपोर्ट देखकर रानी बहुत ही खुश होती है और जादुई लिपस्टिक की मदद लेती है। हे जादुई लिपस्टिक, मैं इस फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ और आप कृपया करके मुझे इस कॉम्पिटिशन के हिसाब से सुंदर सुंदर ड्रेसेज और सैंडल मेकअप किट आदि दे दो, ताकि मैं इस कॉम्पिटिशन को आसानी से जीत सकूं। रानी के इतना कहते ही जादुई लिपस्टिक के चारों तरफ एक दिव्य रोशनी घूमती है और रोशनी घूमते घूमते रानी की मांगी हुई सारी चीजें एक एक करके रानी के सामने आ जाती है। सभी चीजें बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है और इतनी सुंदर चीजें पहली बार देखकर रानी बहुत ही खुश होती है और फिर उन सभी चीजों को एक एक करके अपने कमरे में ले जाती है। उसके बाद खुशी से झूम उठती है और फिर कॉम्पिटिशन में जाने की तैयारी शुरू कर देती है और वह खूब मेहनत करने के बाद उस कॉम्पिटिशन में पहुँचती है, जहाँ गाँव के सभी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, जहाँ रानी भी अपना टैलेंट दिखाती है। सभी बच्चे रानी के ड्रेस को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और सभी उसे उसकी ड्रेस का पता करते हैं कि उसने यह कहाँ से खरीदी है, लेकिन रानी उन्हें कुछ नहीं बताती है। एक एक करके सभी अपने अपने टैलेंट दिखाते हैं, जिसके बाद रिजल्ट अनाउंस होता है और उसमें पता चलता है कि रानी उस फैशन कॉम्पिटिशन की विनर होती है। रानी विनर बनने के बाद बहुत ही खुश होती है और स्टेज पर बैठे सभी जजेस रानी को इनाम के तौर पर 5 लाख की रकम देते हैं, जिसके बाद रानी वो रकम ले जाकर अपने पिताजी को दे देती है और अपनी माँ का बहुत ही धन्यवाद करती है। यह सब देखकर उसके पिताजी भी बहुत खुश होते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं।